नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कंपनी के बारे में। अब बाल हालांकि हम यूएस से रिलेटेड कर रहे हैं, बाकी ये हर देश पे लागू होता है। दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, गल्फ देशों की बात करें तो 99% जो लेबर लॉ है सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हालांकि लैंग्वेज अलग हो जाती है, थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज करके बता सकते हैं। बाकी हम बात करेंगे, देखिए यूएई में जो लोग रहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास मैं मर गया, मैं जी गया, मेरे ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब उनको बोलते हैं भाई शिकायत करिए, खुल के सामने आइए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर आइए या उनकी वहाँ कंप्लेन करे, तो वो पर्दे के पीछे हो जाते हैं। नहीं जी, मैं पर्दे के पीछे हूँ, आप मेरा इलाज ऐसे कर दो, समझ गए। वो तो वो हो गई कि डॉक्टर जी बस मैं घर पे हूँ और मेरा दूर से इलाज कर दीजिए, तो फिर संभव नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है। तो सेम कंडीशन है अगर आप यूएई में जॉब कर रहे हैं, आपका कंपनी, आपका मालिक, आपका बॉस, आपका नियुक्ता जो आपको रिस्पॉन्सर कर रहा है, जो आपको तनख्वाह दे रहा है बदले में आप काम कर रहे हो, वो आपके साथ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसके खिलाफ क्या शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत करें तो क्या आपकी जॉब जा सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की होती है, सर मैं अगर बोलूँगा तो मुझे जॉब से निकाल देंगे, मेरी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरह की प्रॉब्लम सब लोगों के 100% लोगों के साथ में ये क्रिएट होती है, चाहे वो बड़ा मैनेजर पोस्ट पे हो, चाहे वो बड़ा 30 मार्क का हो। लेकिन यह समझने की बात है कि वो सैलरी लाखों में ले रहा होगा, लेकिन है तो किसी के डाउन में, नौकरी तो कर रहा है, बॉस तो नहीं है वो, इसलिए उसको भी डरना पड़ता है। जो 1000 रुपये महीना का कमा रहा है, 1000 दराम, वो भी डरता है। जो 20000 दराम महीना का कमा रहा है, उसको भी डरना पड़ता है कि मेरी जॉब खत्म ना हो जाए, मुझे कहीं नौकरी से नहीं निकाल दें। क्योंकि देखिए हम यहाँ लेडीज़ की भी बात करेंगे, महिला जो वर्कर की और पुरुष वर्कर की भी मान ले बात करेंगे, जो आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। अब शिकायत प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है, जैसे ज़्यादा काम करवा सकता है, आपकी ड्यूटी आपको ज़्यादा करवा सकता है, ओवर टाइम आपको नहीं देना, सैलरी कम देना, या आपके साथ भद्दे कमेंट करना, आपको गाली गलौज करना, आपकी इज्जत नहीं करना, आपको एक तरीके से रूडली तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना, कौन आपका बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम बॉस के बारे में बात करेंगे। तो आप लड़की भी यहाँ पर हो सकती है, के साथ छेड़छाड़ करना, उसको गलत बोलना, उनके खिलाफ में भद्दे कमेंट करना, उनको टॉर्चर करना मानसिक तौर से या फिर शारीरिक तौर से, जी हाँ। तो वो फिर बेचारी लड़कियां हो या लड़के, वो चुपचाप सहन कर लेते हैं कि यार हम बोलेंगे कहीं शिकायत करेंगे तो ये हमें जॉब से निकाल देगा। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दुबई का जो लेबर जो एक कानून बना हुआ है 1987 Act 3 में, जी हाँ, उसमें दंड का प्रावधान साफ साफ दिया गया है, आपको डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर महिला के साथ में ऊपर वाली जो उपरोक्त बातें क्रिएट होती हैं, उनका बॉस कोई छेड़खानी कोई प्रॉब्लम करता है, 358, जी हाँ, 358 में 6 महीने की सजा का प्रावधान है। अगर महिला के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको सामने आना पड़ेगा, नो डाउट। तो सीधा सीधा एक कंप्लेन करनी है कि मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, उसके नाम से सजा बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 6 महीने की सजा है, जी हाँ। अगर 15 वर्ष से कम उम्र की लड़की है, उसके साथ अगर कोई उसका बॉस उसको, अगर वो जॉब करती है, हालांकि 18 साल से नीचे जॉब अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी भी क्रिएट में जरूरी नहीं है, वो जो भी करे, वो उसके साथ भी अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो सीधा 1 साल की सजा का प्रावधान बताया गया है व्हीकल लॉ के हिसाब से। सार्वजनिक जगह बहुत सारी, अब ये तो हो गई पर्सनलाइज, जैसे आप काम कहीं पर कर रहे हैं घर में, अगर सार्वजनिक जगह जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर किसी महिला के साथ लड़की के साथ छेड़छाड़ कोई कर देता है, जिसमें बॉस की बात नहीं है, आप वो आप भी हो सकते हो जो वीडियो देख रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना फिल्मों में टंट मारना या कमेंट कसना, बदे गलत जगह बोलना, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इसको सीधा सीधा बता दूं, 1 साल की सज़ा, 10,000 दुबई दराम जुर्माना इसमें फाइनली तौर से कोर्ट की तरफ से लगेगा, जी हाँ। क्योंकि बता दूं आर्टिकल जो 361 का है उसमें सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक जगह की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक प्लेस है, अपील करना, कई बार अपन फिल्मों में देखा होगा, दूर मत जाइए, फिल्मों में आप देख सकते हैं, अपील करना किसी लड़की की तरफ इशारा करके या कुछ इनडायरेक्टली उसको मैसेज पहुंचाना कि उनको लगे कि हाँ उन्हीं के पास मैसेज जा रहा है, लेकिन आप किसी दूसरे को बोल रहे होते हैं, गाली बोलना, कमेंट करना, कमेंट मारते हैं ना, तीसरा बंदा खड़ा है, आप समझ सकते हैं सब किस तरह से कमेंट होता है। इस तरह की अगर कोई क्रिएट करता है तो 6 माह की सज़ा, 5,000 रुपये दराम जुर्माना फाइनली लगेगा, चाहे कोई भी 30 मार का क्यों ना हो, जी हाँ। अगर आप लड़की हैं या लड़कियाँ कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बॉस सोच है, आप कोई भी हो, अगर आपको कोई परेशान करता है आपको सबूत कुछ देना होगा। आजकल हालांकि दुबई में सबूत की कमी नहीं है भाई, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं,
सिर्फ कंप्लेन करें, उनको बोल दो कि मैं वहाँ खड़ी थी, पुलिस वाले अपने आप निकाल लेते हैं उनका रिकॉर्ड, तो आराम से आप सबूतों के साथ में फर्स्ट में आप मानव संसाधन मंत्रालय में, मानव संसाधन जो है वहाँ पर भी आप शिकायत कर सकते हैं नॉर्मली तरीके से। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं समाधान नहीं होगा, तो पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, पुलिस उसकी जाँच करेगी, जाँच में अगर पाया गया कि रियल में ऐसा है तो उनके खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या आपकी जॉब जा सकती है, क्योंकि आप बॉस के खिलाफ शिकायत करोगे, आप इसी के इसके पास आप काम कर रहे हो, यहीं इनके डाउन में काम करते हो, इसके डायरेक्शन में निर्देशन में काम कर रहे हो, यही आपको तनख्वाह देता है, ये इसने आपको जॉब लगाया, इसने आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, इसकी कंप्लेन आप करोगे तो जॉब तो जाएगी ना, समझ रहे हो आपको? जी हाँ। लेकिन बता दूं का जो लेबर लॉ है 123, जी हाँ, 123 एक्ट में बताया गया है साफ साफ कि ये एक जॉब से रिलेटेड, अगर जॉब जाती है तो आपको 3 महीने की तनख्वाह आपके बॉस को एडवांस में देनी पड़ेगी। जी हाँ, और बता दूं जॉब जाती है तो 1980 का एक्ट 8 में नियम के रोजगार 122 में अनुच्छेद 122 में साफ साफ प्रावधान किया गया है कि ये एक मनमानी होती है कि आप अपने बॉस के खिलाफ में गलत व्यवहार का कंप्लेन करती हैं, 122 में अगर आपकी जॉब चली जाती है तो ये एक उनकी तरफ से मनमानी है, इसकी भी आप अपील कर सकते हैं कि मैं जॉब करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो उसमें भी कोर्ट में सुनवाई होती है। जी हाँ, फिर भी अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या वो आपको जॉब से निकालते हैं तो बता दूं आर्टिकल अनुच्छेद 123 में ये प्रावधान किया गया है कि जॉब छोड़ने से पहले वो आपको 3 महीने की एडवांस तनख्वाह दे। जी हाँ, इस तरह से प्रोसेस है। तो भाई देखिए, आपकी जो सिचुएशन है उसके आधार पे आपको फैसला लेना होगा। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय